अंगराज कर्ण, दुर्योधन या अश्वत्थामा नहीं बल्कि महाभारत का ये योद्धा था पांडवों का असली शत्रु। एक कौरव योद्धा के रूप में इसने पांडवों को वो टक्कर दी जिसे देने में स्वयं अंगराज कर्ण भी सक्षम नहीं थे। महाभारत के इस शूरवीर कौरव योद्धा ने पांडवों को वो असहनीय दर्द दिया जिसे दुर्योधन और अश्वत्थामा भी नहीं दे पाए थे। हम पितामह भीष्म, गुरु द्रोण या किसी अन्य कौरव योद्धा की बात नहीं कर रहे, बल्कि आज हम आपको महाभारत के जिस कौरव योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं वो ना तो दुर्योधन का भाई था और ना ही उसका कुरु वंश से कोई संबंध था। इसके बावजूद उसे महाबली भीमसेन, धनुर्धर अर्जुन और सात्यकी जैसे वीर पांडव योद्धा मिलकर भी नहीं मार पाए। महाभारत के युद्ध में जहां अन्य सभी कौरव योद्धा मारे गए, वहीं ये योद्धा अंत तक जीवित बचा रहा। तो आखिर कौन था ये कौरव योद्धा, क्यों इसे कोई भी पांडव नहीं मार पाया और क्या था इसका भगवान श्री कृष्ण से संबंध, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के आदेश पर कौरवों का साथ देने वाला कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के बाद तीसरा जीवित कौरव योद्धा था। युद्ध के मैदान में अपना उच्चतम रणकौशल दिखाते हुए कृतवर्मा ने भीमसेन, युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न जैसे बड़े बड़े पांडव योद्धाओं को हराया। वास्तव में कृतवर्मा श्री कृष्ण का विश्वास पात्र और द्वारका का एक कुशल योद्धा था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर श्री कृष्ण ने इतने बड़े योद्धा को कौरवों की तरफ से लड़ने का आदेश क्यों दिया? क्या श्री कृष्ण पांडवों की हार चाहते थे? ये जानने के लिए हमें महाभारत के आरंभ में जाना पड़ेगा। जब युद्ध से पहले कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाओं को मजबूत बनाने में लगे हुए थे, इसी क्रम में अर्जुन और दुर्योधन सहायता मांगने श्री कृष्ण के पास पहुंचे। ये बात तो हम सब जानते हैं कि अर्जुन को श्री कृष्ण मिले और दुर्योधन को मिली श्री कृष्ण की नारायणी सेना। लेकिन कौरवों को नारायणी सेना देने के बाद द्वारका और श्री कृष्ण के परिजनों में आपसी विवाद छिड़ गया। श्री कृष्ण के परिजनों ने उनके इस निर्णय का स्वागत नहीं किया क्योंकि वे नारायणी सेना को कौरवों के पक्ष में लड़ता हुआ नहीं देख सकते थे। कौरवों को नारायणी सेना देने के बाद श्री कृष्ण की विडंबना यहीं खत्म नहीं हुई क्योंकि नारायणी सेना के मुख्य सेनापति बलराम युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे। इसलिए श्री कृष्ण ने नारायणी सेना के सात हिस्सों के सातों सेनापतियों को अपना फैसला सुनाया। लेकिन उन सात सेनापतियों में से पांच ने बलराम का साथ देते हुए युद्ध से दूरी बना ली। वहीं नारायणी सेना के छठे हिस्से का सेनापति सात्यकी पांडवों का समर्थक था। सात्यकी अर्जुन का शिष्य था और इसी के नाते वो पांडवों से अधिक लगाव रखता था। सात्यकी पांडवों पर हुए अन्यायों से परिचित था। वो कौरवों से घृणा करता था तथा वो युद्ध में पांडवों की जीत चाहता था। जब श्री कृष्ण ने सात्यकी को अपना फैसला सुनाया तो उसने सेनापति पद का त्याग कर दिया और पांडवों की सेना में शामिल हो गया। नारायणी सेना के सात हिस्सों में से छह हिस्सों ने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी। इसके बाद नारायणी सेना के सातवें हिस्से के सेनापति कृतवर्मा ने श्री कृष्ण की बात की लाज रखी और कृतवर्मा ने अपनी उस एक अक्षरोहिणी सेना के साथ कौरवों का साथ दिया।
इस प्रकार श्री कृष्ण की नारायणी सेना के 7 हिस्सों में से मात्र एक हिस्से ने महाभारत युद्ध के हिस्से में भाग लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण की नारायणी सेना के 7 हिस्सों में से मात्र एक हिस्से ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था। महाभारत के युद्ध में यदि बलराम, सात्यकी और कृतवर्मा अपनी पूरी नारायणी सेना के साथ मिलकर कौरवों का साथ देते तो निश्चित ही युद्ध एक दिन में समाप्त हो जाता और पांडवों का जीतना असंभव हो जाता। महाभारत के युद्ध में कृतवर्मा ने अपनी सेना के साथ इस तरीके से युद्ध किया कि युद्ध के अंत तक ना तो वो मरा ना ही उसकी सेना का कोई अन्य सैनिक। एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा और एक कुशल सेनापति का यही परिचय होता है। महाभारत के युद्ध में अनेकों ऐसे क्षण आए जब कृतवर्मा ने दुर्योधन की सहायता की। एक बार ऐसे ही युद्ध भूमि पर सात्यकी और कर्ण के बीच महासंग्राम छिड़ा हुआ था। युद्ध बड़ी देर तक चलता रहा और देखते ही देखते सात्यकी कर्ण पर भारी पड़ने लगा। जब सात्यकी ने कर्ण के रथ को खंडित कर दिया और दुर्योधन को लगने लगा कि सात्यकी कर्ण को मार देगा, तब दुर्योधन ने कृतवर्मा को कर्ण की सहायता के लिए भेजा। कृतवर्मा और सात्यकी के बीच बड़ा ही गहन युद्ध हुआ, जहां कृतवर्मा के उच्चतम रणकौशल को देख उसके शत्रु भी चकित रह गए। जब सात्यकी से युद्ध की इच्छा में सेनापति द्रोण उसका पीछा कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी सेना का कार्यभार कृतवर्मा को ही सौंपा था। उस दिन कृतवर्मा अपनी सेना के साथ महाबली भीमसेन पर टूट पड़े और इसी दिन उन्होंने ना सिर्फ भीम को बल्कि पांडवों के मुख्य सेनापति और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को भी हराया। महाभारत के द्रोण पर्व के 113वें अध्याय में कृतवर्मा को रथियों में श्रेष्ठ बताया गया है। महाभारत के अंत तक कृतवर्मा ने कौरवों का साथ दिया, लेकिन अधर्मी दुर्योधन को हार से कृतवर्मा भी नहीं बचा पाया और युद्ध के बाद अपनी नारायणी सेना के साथ वापस द्वारका लौट गया। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण को मिला गांधारी का श्राप, असर दिखाने लगा। एक शाम ऐसे ही कृतवर्मा और सात्यकी अपनी अपनी सेनाओं के साथ बैठे हुए थे। जब कृतवर्मा ने सात्यकी को उसके युद्ध में किए गए बुरे कर्मों की याद दिलाई कि कैसे सात्यकी ने पांडव पक्ष से लड़ते हुए छल से निहत्थे भूरिश्रवा का वध किया, कृतवर्मा की इस बात से सात्यकी क्रोधित हो उठा और उसने कृतवर्मा का वध कर डाला। इसके बाद दोनों समूहों में आपसी युद्ध छिड़ गया और सात्यकी के साथ साथ समूचे यादव वंश का विनाश हो गया। तो क्या आप महाभारत के इस गुमनाम योद्धा से परिचित थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।